अरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन तीन तरीकों से लड़की का इंटरेस्ट आप में 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो ना कि लड़की कभी भी आपसे बोर ना हो, उसका इंटरेस्ट है आप में टाइम टू टाइम बढ़ता जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हेलो गाइस, अगर आप ब्लॉग व्यू देख रहे हैं तो प्लीज मेरे ब्लॉग चैनल भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे जो पहला तरीका है जो बहुत जल्दी असर करता है वो है अंडरस्टैंडिंग। देखो, लड़कियों को ना हमेशा से लड़कों से ये शिकायत होती है, चाहे लड़का दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, उनको शिकायत पता ही क्या होती है कि तुम मुझे समझते नहीं हो, ठीक है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो अगर आप चाहते हो ना कि इंस्टेंट लड़की आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं, उसका इंटरेस्ट कभी खत्म ही ना हो, वो कभी आपसे बोर ना हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप उसके फेवर की बात करने की कोशिश करो। जब आप उसके साथ हो तो आप ये देखोगी वो क्या सुनना चाहती है, उसका मूड कैसा है, किससे रिलेटेड बात करने में वो इंटरेस्टेड है। तो अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे ना उससे बात करते टाइम, तो समझ लो कि लड़की जो है ना कभी भी आपसे बोर नहीं होगी, उसका जो इंटरेस्ट है ना टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट कम होता जाता है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखोगे ना तो कभी भी वो लड़की आपसे बोर नहीं होगी, उसका मन आपसे नहीं भरेगा। तो इस बात का या इस ये तरीका आप अपना सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि रोज कुछ ना कुछ नया करते रहो, ठीक है। देखो, जब रिलेशनशिप शुरू होता है ना तो उस टाइम कुछ टाइम ऐसा होता है, या रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले ये टाइम होता है कि लोग जो है ना एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए एफर्ट दिखाते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, और जैसे ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है या प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यार अब तो ये मेरा हो चुका है, ठीक है, अब तो मेरी हो गई है, अब इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे ना लोग जो है ना फ्री हो जाते हैं कि अब तो प्यार का इजहार हो गया, अब क्या करना। तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में क्या होता है कि लड़की जो ना एक टाइम के बाद फिर बोर होना शुरू हो जाती है, और कई बार रिलेशनशिप में ये चीज भी होती है कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर उसके इंटरेस्ट को बढ़ाना है ना तो हर रोज कुछ ना कुछ नया करते रहो, कुछ ना कुछ चीजें करो। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए गिफ्ट ही लाकर दे रहे हो, बातों में कुछ नया कर सकते हो, ठीक है, हंसे मजाक के जरिए उसका मूड चेंज कर सकते हो, कहीं बाहर ले जा सकते हो, कुछ ऐसी लाइनें बोल सकते हो। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से काम होते हैं जो आप करके किसी लड़की के इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप भी ऐसे चलता है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप एक्सेप्ट हो गया है और फिर उसमें कुछ भी एफर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, उसमें प्यार बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ हमेशा होता रहे, उसमें 24 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि खुद को ना डुप्लीकेट मत बनाओ, मतलब आप जैसे हो ना वैसे ही उसके सामने रहो। जरूरी नहीं है कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप खुद को बदल रहे हो। देखो, ऐसा बहुत से लड़के करते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी क्रश के अकॉर्डिंग खुद को पूरी तरह से बदल देते हैं, ठीक है। तो ये टाइम, ये जो चीज होती है, कुछ देर के लिए सही लगती है, कुछ टाइम के लिए सही लगती है, क्योंकि एक इंसान जो होता है ना उसका नेचर जैसा होता है, वो बेशक अपने नेचर को कुछ टाइम के लिए बदल ले, लेकिन परमानेंट वो अपने नेचर को नहीं बदल सकता, ठीक है। रिलेशनशिप हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद लड़की को आपका नेचर पता चल जाएगा कि आप उसके सामने ना डुप्लीकेट बन रहे थे, आप जैसे हो वैसे नहीं थे। तो इससे वो उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जैसे हो वैसे उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करो, उससे बातें करो, तो ये होगा कि वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगी, ठीक है। और ये चीज भी ध्यान रखो कि जब आप उससे बात कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अलग बोलने की कोशिश करो, थोड़ा सा फन क्रिएट करो, तो इससे लड़की का मूड बना रहेगा, और लड़की का मूड बना रहेगा तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगी, कभी भी बोर नहीं होगी, ना ही किसी और में इंटरेस्ट दिखाएगी। तो ये चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।